इसमें हमने ये पांच मेन जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर के पीरियोडिसिटी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिस्टेबल एलिमेंट्स की उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करना है कि ग्रुप्स में पीरियड में क्या वेरिएशंस आती हैं, मॉडल पीरियोडिक टेबल्स क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज का या पीरियोडिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में और एंड पे हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा जो इस चैप्टर के अंदर मेन पांच टॉपिक है। आगे फर्दर फिर इनके आगे सब टॉपिक्स और उनकी फिर ट्रेंड वगैरह है। तो स्टार्ट करिए हम पहले इंट्रोडक्शन से। तो जब हम पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी पीरियोडिक बिहेवियर की बात करें तो डेफिनेशन की बात करते हैं, कहते हैं ना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का जो बिहेवियर होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी स्टडी को हमने पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर में डिस्कस करना। पर्पज क्या है इसका, पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पज ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको सिस्टमाइज करना है, हमें एक जनरल ट्रेंड पता लग जाए कि मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप में पीरियड में उनमें ट्रेंड क्या है, कहाँ कोई अबनॉर्मलिटीज हैं, क्या क्या उसमें साइंसिस के अंदर या उसमें हिस्ट्री में कैसे कैसे उसमें अचीवमेंट होती थी, कैसे कैसे एलिमेंट डिस्कवर किए हुए और किन किन साइंटिस्ट का इसके अंदर जो है वो काम था। तो स्टार्ट करते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन किन किन साइंटिस्ट का है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है जी अर्राज़ी, इसने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर किए थे उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे अरेंज किया। फिर डोबरिनियन आ गया जी, डोबरिनियन ने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर किए उनको ट्राइएड्स के फॉर्म में अरेंज किया। ट्राइएड्स की मतलब क्या कि हर फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी की एवरेज प्रॉपर्टी जो होती है वो सेंट्रल एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का एटॉमिक मास जो है वो 39 है, तो इन दोनों का जो एवरेज लेते हैं तो वो मास सोडियम का आता है 23, तो ये ट्राइएड्स का नाम दिया इसको। फिर उसके बाद ये न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस एलिमेंट को उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंगली, यानी इसके मुताबिक हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलती थी, तो इस तरह उसने एलिमेंट्स को सेवन हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच कर ली थी, तो ये उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल कह लें या एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी। मेंडलीव ने एक प्रॉपर एक पीरियोडिक टेबल दिया और उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया। मतलब बाद में इसके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट आ गए लेकिन बहरहाल एक प्रॉपर जो पहला बेसिक पीरियोडिक टेबल था वो मेंडलीव ने दिया था। फिर उसके बाद ही मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बेस पे, क्योंकि जब एक्सरेज की स्टडी के बाद एलिमेंट्स एक्सरे के बाद जब नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मिला, एटॉमिक नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो फिर मोजले ने उसको बेस बना के एक नया पीरियोडिक टेबल अरेंज किया जो एटॉमिक नंबर की बेस पे, वो आगे पढ़ेंगे कैसा क्यों किया। ये कुछ उसने कंट्रीब्यूशन दे दिया। जैसे डोबरिनियन की बात की गई है तो उन्होंने पहले बात की कि इसने इसे ट्राइएड्स कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सोडियम की, सोडियम का मास जो है वो लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज 23 आता है। इसी तरह से न्यूलैंड की बात करें, न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है। इसी तरह से एडवांटेज आगे फिर आ जाते हैं मेंडलीव की बात। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उनको एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया, तो उसने बहुत से एलिमेंट की जगह बात करें एडवांटेज, इसके जो मेन पॉइंट्स क्या थे, इसने न्यू एलिमेंट जो थे उनकी प्रेडिक्शन कर दी। मेंडलीव ने बहुत से एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में बता दिया। मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेज जो बहुत से एलिमेंट का को करेक्ट किया जो कि पहले करेक्ट नहीं थे, नए एलिमेंट के बारे में उसने बताया, जैसे जर्मेनियम की एग्जांपल दी गई है, इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से। ये उसके एडवांटेज थे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे जिसको बाद में करेक्ट किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप्स एंड पीरियड की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल जो हमारे पास नॉर्मल या लेस टिपिकल जो ग्रुप्स हैं उनकी डिवीजन इस तरह से की गई है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, इनको जो नॉर्मल वाले हैं वो सब ग्रुप ए में है, जो लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सब ग्रुप बी में आते हैं। तो एक ग्रुप में कौन कौन सी बातें सेम हो सकती हैं, एक ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम हो सकती है,
पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ये भी सेम हो सकती है। और ग्रुप नंबर जो होता है वो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है, यानी पहला ग्रुप है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ग्रुप है तो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। पीरियड की बात करें जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो सारी पीरियड कहलाती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सेवन पीरियड, ये नाव हॉरिजॉन्टल रो पीरियड है, पांच डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर पीरियड है। शॉर्टेस्ट पीरियड जो पीरियड नंबर वन है, शॉर्ट पीरियड पीरियड नंबर टू एंड थ्री है, लॉन्ग पीरियड फोर एंड फाइव है, सिक्स पीरियड जो लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो सिक्स होता है, जो सेवन पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। तो इनके अंदर एलिमेंट की तादाद भी आपको मतलब पता होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट पीरियड जो फर्स्ट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, थ्री और टू और थ्री में एट है, फोर एंड फाइव में एटीन है, सिक्स में थर्टी टू है, और जो सेवन है वो 32 है या 26 हमारी बुक के अकॉर्डिंगली है। लेकिन उसके अंदर नए नए एलिमेंट जो डिस्कवर होते जा रहे हैं वो अरेंज करते जा रहे हैं सेवन पीरियड के अंदर। ग्रुप्स एंड पीरियड डेफिनेशन ये एक कॉलम की फॉर्म में समरी बना देगी। डेफिनेशन है वर्टिकल कॉलम्स है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, आठ ग्रुप्स होते हैं, सेवन पीरियड होते हैं, वो आगे सब ग्रुप ए और बी की सब डिवीजन है, पीरियड की डिवीजन नहीं होती। सेंसल फीचर्स क्या है कि ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, पीरियोडिसिटी सेम रहती है, जबकि पीयर के अंदर वैलेंस शेल सेम रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। की पॉइंट ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, पीरियड नंबर जो होता है वो शेल नंबर को शो करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज है। इनकम्प्लीट पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा पीछे के जो सेवन पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे जी, सेवन पीरियड जो होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो उसमें दो एलिमेंट नॉर्मल्स होते हैं, बाकी सारे जो है वो ट्रांजिशन या एफ लॉग डी लॉग एलिमेंट्स होते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो सिक्स पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, सेवन इनकम्प्लीट और सिक्स लॉन्गेस्ट, उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ फैमिलीज है, यानी कुछ ग्रुप्स या पीरियड के नेम जनरल नेम, जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है उसको अल्कली मैटर बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मैटर बोलते हैं, थर्ड ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली, फोर्थ ग्रुप को हम कार्बन फैमिली, फाइव ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली बोलने या कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, सेवन को हम हैलोजन बोलते हैं, जबकि एट ग्रुप को हम नोबल गैसेज या एरोजन का नाम भी देते हैं, इनर्ट गैसेज का नाम भी देते हैं। तो इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी क्या आती है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी की बेस पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है, जो आफ्टर लेंथानाइड और एक्टिन एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास ये सीरीज का नाम उनको दिया गया, ये उनकी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी की बेस पे हमने अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो किस बेस पे किया गया, जी हमने पढ़ा है कि वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जी लेंथानाइट है, रेयर अर्थ है या एक्टिनाइट है। तो इनर्ट और आउटर, डी ब्लॉक जो होते हैं उनको आउटर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक को इनर्ट बोलते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे ही होते हैं, भी बोलेंगे एक्टिनाइड भी बोलेंगे और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम है। नोबल गैसेस जो होती हैं उनके बारे में क्या चीज, बिल्कुल ये सारी बातें ही है, लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट बैलेंस शेल है, जीरो ग्रुप है, ये आलम। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो सिक्स पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, सेवन इनकम्प्लीट और सिक्स लॉन्गेस्ट, उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, उसको चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है बैलेंस शेल के अरेंजमेंट के लिहाज से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ब्लॉक्स आ गए जी हमारे पास, ये कॉलम आपको नजर भी आ रहे होंगे, तो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनके अंदर नेम और इनके अंदर कौन कौन सी पोजिशंस है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और ट्रांजिशन जो है एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन नाम दिया गया।
पोजीशन की बात करें जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, 3 से लेके 8 तक जो है पी ब्लॉक है, हीलियम के अलावा हीलियम एस ब्लॉक में आता है। डी जो सेंटर में आते हैं वो डी है और लैंथन और एक्टिन एंड सीरीज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनके वैलेंस शेल वही बात है, ब्लॉक्स के नाम ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रखे गए हैं, इसलिए एस पी डी एफ सेल उसी तरह से। अब आगे जनाब मेटल नॉर्मल की बात, ये कलर से शो किया गया है। जनरली आपको पता हो कि ये मेटल नॉन मेटल और मेटलाइड्स, मेटल इलेक्ट्रॉन देती हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट करती हैं, मेटलाइड दोनों चांसेस में उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट्स व्हेन हीटिंग। पोजीशन की बात करें लेफ्ट साइड पे सारी की सारी मेटल्स हैं, अपर राइट साइड पे सारी नॉन मेटल्स हैं और अपर द स्टेप्स वो कुछ एलिमेंट स्टेप की फॉर्म में लिखे गए हैं वो सारे मेटलाइड्स हैं। प्रॉपर्टी की बात करें मेटल कंडक्टर होती है, जो नॉन मेटल होती है वो नॉन कंडक्टर है। मेटल जो है उनकी कंडक्टिविटी दोनों के दरमियान में होती है। एटॉमिक साइज दो न्यूक्लियाई जो होते हैं एटम के उनके दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। इसकी यूनिट पिकोमीटर और डिफरेंस एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की बात करें एटॉमिक रेडियस बेसिकली साइज का जो हाफ होता है एटॉमिक साइज। तो ट्रेंड की बात करें चाहे कोई भी एटॉमिक रेडियस हो एटॉमिक साइज हो तो वो पीरियड में लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जबकि ग्रुप में ये डाउन दी ग्रुप ये साइज जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग अफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल जो है वो भी इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन वीक हो जाती है, इसलिए ग्रुप में इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर, शेल नंबर, शील्डिंग इफेक्ट या ऑल ऑफ देम, तो ये सारी बातें टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, तो अल्कली मेटल सेकेंड पीरियड हैलोजन या अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, जी किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो तो ये हमारे पास सेकेंड पीरियड है उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं इट मीन उसका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इन द थर्ड पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या आता है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है रेगुलर, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होना मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज। इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अंदर क्या होता है इंक्रीज होता है रेगुलरली। एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है तो लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, तो इनमें से पीरियड या ग्रुप के हिसाब से देखिए तो सबसे जो कम साइज है वो फ्लोरीन का, क्योंकि वो सेकंड पीरियड में आता है, ऑक्सीजन जो है वो पहले है, नाइट्रोजन से पहले है, नियॉन का ग्रुप नंबर पीरियड नंबर चेंज है इसलिए नियॉन की बात नहीं करेंगे, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। एटॉमिक रेडियस जो है जब एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उनका जो रेडियस होता है उसको हम आयनिक रेडियस का नाम देते हैं, पहले हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा अब ये आयनिक रेडियस है। दो तरह के होते हैं जी आयनिक रेडियस में, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है उसका रेडियस कैटायनिक रेडियस, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बनाता है उसका रेडियस जो है वो एनायनिक रेडियस कहलाता है। तो ट्रेंड की बात करें फिर की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो मैंने पहले बात बता दी कि जो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रेडियस जो है वो कैटायनिक होता है उसका, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कैटायनिक रेडियस का जो साइज अपने एटम से छोटा हो जाता है क्योंकि रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर की तरफ अट्रैक्ट करता है। एक एग्जाम्पल भी आ रही है एटॉमिक रेडियस जो है या आयनिक रेडियस जो है कैटायन कैटायनिक मेटल्स का भी ग्रुप बनाया गया है, तो ये टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। रेडियस कोई भी हो एटॉमिक हो एनायनिक हो कैटायनिक हो वंडरवाल हो या हमारे पास कोई भी आए तो ये टॉप से बॉटम इंक्रीज ही होता है, फैक्टर भी सारे के सारे वही वाले होते हैं। एनायनिक रेडियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन जब होते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायनिक रेडियस बनता है और सारी बात है
जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे तो आउटवर्ड पुलिंग पावर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो एनायन का साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा हो जाता है। और इसका भी एग्जांपल दे दी गई है, ये हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है, टॉप से बॉटम जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्रेंड की बात करें पीरियड में तो कैटायनिक हो एनायनिक हो वो लेफ्ट से राइट क्या होते हैं, डिक्रीज। लेफ्ट से राइट डिक्रीज होने की रीजन वही जो हमने पहले पढ़ी थी, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए कैटायन हो एनायन हो टॉप से लेफ्ट से राइट वो क्या होते हैं, पीरियड में डिक्रीज होते हैं। हाँ अगर बात करें कुछ स्पीशीज आ जाती हैं जैसे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव में, इन सब के अंदर वैलेंस शेल में 10-10 इलेक्ट्रॉन, इनमें भी ट्रेंड वही है कि लेफ्ट से राइट ये सारे जो रेडियस है वो डिक्रीज होते हैं। अब आगे दी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डेफिनेशन की बात कर रही, डेफिनेशन दे दी दोनों की, इनकी यूनिट दोनों के पिकोमीटर्स हैं, पीरियड में दोनों डिक्रीज होते हैं, ग्रुप में दोनों इंक्रीज होते हैं, और ये सारी बातें इनकी वही आती हैं। इनमें से कौन सा रेडियस आयनिक सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा। तो अब ये चार आयन है इनमें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना साइज उसका स्मॉल होगा। अब जारी बात है ए और बी तो निकाल दें, इनका साइज तो लार्ज होगा। अब आता है जी सी और डी ऑप्शन में, फ्लोराइड और कलोराइड। हमें पता है कि टॉप से बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज होता है, इस लिहाज से कलोराइड का साइज ज्यादा होगा फ्लोराइड से। तो ऑप्शन में उसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो इस लिहाज से सी ऑप्शन करेक्ट होगी कि फ्लोराइड आयन सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस उसका होगी। कैटायनिक रेडियस जो होता है जी डिक्रीज होता है जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ऑन द आयन वो हमारे पास, कैटायनिक रेडियस ऑप्शन पूछ रहा है कि कैटायनिक रेडियस डिक्रीज जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा वो इंक्रीज होगा। जब चार्ज इंक्रीज होगा न्यूक्लियस के ऊपर तो इनवर्ड पुलिंग पावर बढ़ेगी, इससे साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये इंक्रीज की बात आई। ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर सिमिलर चार्ज जो होता है आयन डैश इन साइज ऑफ टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जो साइज होता है वो क्या होता है जी इंक्रीज होता है। न्यूट्रल एटम जो होता है वो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन इट्स कॉन्फिगरेशन इज, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि वो मेटल है, अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एसपी लोग एलिमेंट्स है, तो अल्फा ऑप्शन आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए यूज करते हैं। किलो जोल पर मोल इसकी यूनिट्स है। फैक्टर जो इसको प्रोफेक्ट करते हैं वो चार फैक्टर हैं जी, एटॉमिक रेडियस है हमारे पास, एटॉमिक साइज है, शील्डिंग इफेक्ट है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है, और न्यूक्लियर चार्ज है। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ग्रुप को फिर की बात करें तो ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होती है जी, क्योंकि एटॉमिक इंक्रीज एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। हाँ अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, उसको निकालना मुश्किल होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम पहले बात होगी कि वो क्या होती है डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी जो शॉर्ट पीरियड में जो है नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। तो कुछ इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है, जैसे ग्रुप ब्रिलियम और बोरॉन की बात करें तो ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरॉन से, हालांकि ब्रिलियम सेकेंड ग्रुप में बोरॉन थर्ड में, वजह ब्रिलियम का वैलेंस शेल कंप्लीट है। नाइट्रोजन ऑक्स की बात करें तो नाइट्रोजन का वैलेंस के पी ब्लॉक एलिमेंट में हाफ फील्ड पी ब्लॉक हाफ जो पी ब्लॉक होता है हाफ वो स्टेबल है, जबकि जो एस जो ऑक्सीजन है उसमें पी ब्लॉक जो है पी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फील्ड है, इसलिए नाइट्रोजन का पी हाफ फील्ड है इसलिए वो स्टेबल है। सिमिलरली मैग्नीशियम एल्युमिनियम की बात करें, फास्फोरस सल्फर की बात करें, वहां भी यही रीजन है। तो आयोनाइजेशन नदी सबसे ज्यादा कंप्लीट फील्ड की आएगी, फिर हाफ फील्ड की आएगी, और फिर पार्शली फील्ड की आएगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख दिया कि सबसे एम्प्टी ऑर्बिटल की सब शेल की है, फिर फील्ड की है, फिर हमारे पास सेकंड में फील्ड, और फिर सब शेल की सब हाफ फील्ड की बात करेगी, लास्ट में पार्शियल फील्ड की, ये इनका
ऑर्डर है। तो उसके बाद आगे जनाब के सेकेंड आयोनाइजेशन है जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन है जी जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज करते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन है जी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज करते हैं। इस लिहाज से तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सिग्निफिकेंस की बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में बताती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताती है, मेटालिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारे कैरेक्टर बताती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये सब पे डिपेंड करती है। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट राइट साइड पे होगा, तो ये सिलिकॉन आएगा लेफ्ट से राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज होल्ड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, दस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाएगा उतनी ज्यादा। न्यूट्रल एटम जो होता है वो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन इट्स कॉन्फिगरेशन इज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है डिक्रीज, जो ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, डिक्रीज फ्रॉम हैवियर टू लाइटर, नन ऑफ दी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये हमारे पास इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट जाते हैं। ये डेफिनेशन आ गई, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है यूनिट वही है, फैक्टर भी सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले है, ट्रेंड भी बिल्कुल वही है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसमें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो होती है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी लगानी कि दोनों के अंदर कंपैरिजन आ गया, डेफिनेशन आ गई है, फिर एग्जाम्पल है, एक में इलेक्ट्रॉन निकालना, एक में इलेक्ट्रॉन ऐड होना, फैक्टर सेम है, यूनिट सेम है, ट्रेंड भी सेम है इन दोनों का। किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो जनाब ये क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की नहीं, क्लोरीन की ज्यादा है, ये क्लिक गलत हो गया, तो फ्लोरीन की कम है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, थिक क्लाउड है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले मैंने बात बताई कि वो जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एक्सो, सेकंड ऐड करें तो एंडो, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन, इसका मतलब क्या है कि एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, या एटम मे फॉर्म डाइपॉजिटिव आयन, रीजन इज अनन, एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, ये उसकी मतलब रीजन बनती है इलेक्ट्रोफिनिटी हाई होने के लिए। मेटालिक कैरेक्टर जो अल्कली मेटल का होता है जी, टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होता है, तो वजह क्या है कि साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर सिमिलर चार्ज जो होता है आयन डैश इन साइज ऑफ टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जो साइज होता है वो क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। तो ये ग्रुप की बात करें, मैंने पहले बात बता दी कि लेफ्ट से राइट जो है पीरियड के अंदर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटालिक इंक्रीज, फैक्टर वही है जो पहले हमने बात की। ग्रुप के अंदर मेटालिक कैरेक्टर जो होता है जी वो टॉप से बॉटम इंक्रीज, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, फैक्टर यहाँ भी वही वाले जो हमने पहले आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोफिनिटी में करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं दोनों प्योरली क्या है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की, डॉट इंक्रीज अप टू द मेटल, जो इंक्रीज नहीं होती देन पहले प्रॉपर्टी नॉट इंक्रीज अप टू मेटल एंड देन डिक्रीज, कौन सी मेल्टिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, एटॉमिक साइज है या आयोनाइजेशन, तो एटॉमिक साइज सिर्फ इंक्रीज यानी मिडल तक की बात हो रही है, ये रेगुलर ट्रेंड है चाहे ग्रुप पे है चाहे पीरियड में, बाकियों में जो ट्रेंड में अबनॉर्मैलिटी आती है, मेल्टिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है या आयोनाइजेशन है जी, ये जाके कहीं ना कहीं डिक्रीज या इंक्रीज का जो ट्रेंड है ये इरेगुलर हो जाता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये मीटर तक की बात हो रही है, तो इस लिहाज से एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में तो इसका सबसे ज्यादा होगा। ये डेफिनेशन आ गई जी, पहले टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, ट्रेंड वही लेफ्ट से राइट जो है मीटर तक ये इंक्रीज फिर ये डिक्रीज होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये क्या होता है जी, पहले डिक्रीज अप टू ग्रुप नंबर फोर देन ये इंक्रीज हो जाता है।
इनका जो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है जी, इनक्रीज वो पहले बात होगी, लेफ्ट से राइट इंक्रीज अप टू मिडल एस एन बी बिलो कैल देन डिक्रीज, रीजन क्या है जी, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रुप नंबर फोर तक इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं अप टू नॉर्मल गैस। और एलिमेंट जो होते हैं फ्रॉम लेफ्ट जो है फ्रॉम थ्री डिमेंशन लैटिस पर यूज करते हैं ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज, वजह क्या है जी, हाई पोलराइजेबिलिटी और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात हो रही ग्रुप नंबर 5 टू 8 तक, यानी नॉन मेटल्स की बात। वेरिएशन की बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप नंबर 1 से 4 तक जो है वो डिक्रीज होता है अप टू नोबल गैस, फिर कम हो जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट जो है डिक्रीज टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें फिर जहां पे लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट ट्रेंड दिखें जी उनका वही इंक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड देन डिक्रीज। और ग्रुप में ये टॉप टू बॉटम पहले डिक्रीज होता है फिर ये इंक्रीज हो जाता है जो ट्रेंड हमने पहले मेल्टिंग पॉइंट का पता। और बिल्कुल वही वाले फैक्टर यहाँ पे आते हैं जो हमने वहां बात की थी कि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर मिरर तक इंक्रीज फिर डिक्रीज, और वजह वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ले या उनके स्ट्रक्चर की बात कर ले, ग्रुप में जो है वो 5 से 8 तक जो है वो इंक्रीज होता है वजह हाई पोलराइजेबिलिटी एंड हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कंपैरिजन आ गया जी, डेफिनेशन आ गया दोनों की, फिर उनका ट्रेंड है ग्रुप में वो पहले बात होगी, दोनों जो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज अप टू ग्रुप 4 फिर इंक्रीज होते हैं 5 टू 8, पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट मिडिल तक इंक्रीज होते हैं फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए। तो एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इनके दरमियान उसकी बात करें तो ये हमारे पास आयोडीन है, जो कि टॉप से बॉटम आते हुए नॉन मेटल्स के अंदर आयोडीन का साइज बड़ा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। एलिमेंट जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है तो ये हमारे पास शुरू वाला ग्रुप आता है, तो ये मैग्नीशियम है, हालांकि ब्रिलियम ऊपर है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ब्रिलियम से इसलिए कम है कि इसकी ज्योमेट्री इसके मेटालिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, वो लूज पैकिंग होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। एलिमेंट हैविंग जेड केमिकल स्ट्रक्चर यूजली है उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत लार्ज है। एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सेकंड पीरियड, अंडरस्टूड है जी, कार्बन है सेकंड पीरियड में डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में सबसे। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था जी यहाँ तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो हमने जनरली डिफाइन करते हैं कि किसी एटम कंपाउंड में जो एटम के ऊपर चार्ज होता है वो ऑक्सीजन स्टेट कहलाती है। जैसे एग्जांपल है जी, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, इनकी जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड अपॉन कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। तो इनकी ट्रेंड, इसके ट्रेंड की बात करें तो ऑक्सीजन स्टेट जो होती है जी वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस लिहाज से ऑक्सीजन स्टेट भी वेरी करती है अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड अपॉन ग्रुप नंबर के हिसाब से, जो ग्रुप होता है उसके लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड में ये चेंज होती है। एक ग्रुप के अंदर ये सेम रहती है, यानी ग्रुप पीरियड में ये वेरी होती है, ग्रुप में ये सेम रहती है। जो एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है मोस्टली वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट, उस ग्रुप में सबकी ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर के हिसाब से होती है। जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस ग्रुप तो 8 है लेकिन उनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, वजह कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, उनकी नो वैकेंसी फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पे वैकेंसी नहीं होती। तो ऑक्सीजन स्टेट की बात है डिफरेंट कंपाउंड की, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर डिपेंड करता है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है उनके ग्रुप नंबर से रिलेट की जाती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो पावर होती है एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी जब लेफ्ट से राइट जाते हैं उसके हिसाब से एलिमेंट को ऑक्सीजन स्टेट असाइन की जाती है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, अपेरेंट चार्ज या इट्स वैकेंसी। तो ये अपेरेंट चार्ज जो होता है किसी कंपाउंड के अंदर
किसी एटम के ऊपर उसको ऑक्सीजन स्टेट से रिप्रेजेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट इक्वल होती है पीरियड नंबर के हिसाब से, ग्रुप नंबर के हिसाब से, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। ये सही बात हो रही। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैसे तो ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वेरिएबल होती है, तो इस लिहाज से बात जब करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू, तो ये ग्रुप नंबर है लेकिन ये जरूरी नहीं है इनकी ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होती है। मोस्टली हम ये एक ये बात कर देते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर के हिसाब से होती है, लेकिन ये कुछ ग्रुप्स में तो ये सही है लेकिन हर जगह पे ये नहीं। कुछ जगह ग्रुप्स जो है उनमें ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर के हिसाब से भी होती है और वैकेंसी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से भी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जब भी कंडक्टिविटी का वर्ड आ जाए तो कंडक्टिविटी होती ही फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसलिए यहाँ से फिर ऑप्शन जो है वो हमारी मोबाइल इलेक्ट्रॉन आए। इन सेकेंड पीरियड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जनरली डिक्रीज अक्सर, यानी लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो डिक्रीज थी एक्सेप्ट। सारी बात है ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, ये लेफ्ट से राइट की बात हो रही है, तो एक्सेप्ट की बात हो रही है, तो किस में लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज थी एक्सेप्ट की बात, बोरॉन की बात है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए सेकेंड पीरियड में कनेक्टिविटी डिक्रीज है एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन की नहीं, बोरॉन जो है उनके नॉन मेटल्स है इस वजह से। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें डेफिनेशन है जी, इज विद इन विद विच एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एनी एलिमेंट, यूनिट इसकी जो है वो सेंटेंस है। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है जी, लेफ्ट से राइट जी डिक्रीज होगी, और ट्रेंड ये है कि मेटल अच्छी कंडक्टर होती है, ग्रुप नंबर वन और टू जो होती है इनकी कनेक्टिविटी टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। सेकेंड बी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, नॉन मेटल जो होते हैं वो कनेक्टिविटी को एबिलिटी नहीं रखते, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो भी कनेक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। बात कर रहे थे ग्रुप नंबर वन ए, वन ए में इंक्रीज टॉप टू बॉटम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि ग्रुप नंबर फोर जो कार्बन जो है उसमें डायमंड नॉन कनेक्टर है, जबकि ग्रेफाइट जो है कनेक्टर, ये कार्बन की एलोटोपिक फॉर्म है। ग्रुप नंबर 5 टू 8 तक जो है लो वैल्यू होती है कनेक्टिविटी की, और जो कंसीडर ग्रुप नंबर 5 टू 7 लो वैल्यू होती है कनेक्टिविटी की, क्योंकि ये सारी नॉन मेटल्स। डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है, पहले बात उसकी उसमें ये बेसिक बातें ये है कि उसका यूनिट सेल टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो नॉन कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट जो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन एटम जो तीन नेबर एटम से जुड़ा होता है, जबकि चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता है अलॉन्ग लेयर्स, इसलिए ग्रेफाइट जो पैरेलल लेयर की फॉर्म में कंडक्टर होता है, जबकि परपेंडिकुलर लेयर की फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर होता है। एलिमेंट जिनकी हाईएस्ट कनेक्टिविटी है 1A, 2A, 7 या 4, तो ये हमारे पास 1A मेटल जो होती है, इनकी लो आयनाइजेशन होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर है, इसलिए गुड कंडक्टर। कनेक्टिविटी ग्रुप नंबर 7A जो है डैश डोन द ग्रुप, तो डोन द ग्रुप इनकी जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू डैश इंक्रीज, क्योंकि इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो टॉप से बॉटम वो इंक्रीज होता है, तो सी ऑप्शन आएगी। टॉप टू बॉटम किसी भी पीरियड में ग्रुप में जाए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे सारी मेटल्स हैं, राइट साइड पे सारी नॉन मेटल हैं, तो इस लिहाज से लेफ्ट साइड जो होती है पीरियोडिक टेबल की वो सारी की सारी जो है मतलब हमारे पास उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप वाली लेस मेटालिक, बॉटम वाली मोर मेटालिक, इसलिए लेफ्ट बॉटम जो है पीरियोडिक टेबल का वो मोर मेटालिक। ये कुछ एमसीक्यूज है जी। इनकम्प्लीट पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा पीछे के जो 7 पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाते हैं। सेकेंड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इज जनरली डैश एक्सेप्ट बोरॉन, तो सेकेंड पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जो है कंडक्टिविटी वो क्या होती है डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जब कोई आयन किसी भी आयन को हम डिसॉल्व करते हैं किसी वाटर के अंदर गैशियस आयन को, तो जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं।
किलो जोल पर मोल इसकी यूनिट होती है। एग्जांपल इसकी जैसे वाटर को अंदर हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व किया तो -1075 किलो जोल पर मोल एनर्जी है वो इसकी जो रिलीज हुई है वो हाइड्रेशन। डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है, पहले बात उसकी उसमें ये बेसिक बातें ये कि उसका यूनिट सेल टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो नॉन कंडक्टर। ये कुछ कंपैरिजन आ गया जी प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो ये डेफिनेशन पहले दी हुई है, फिर इनकी एग्जांपल दी हुई है, फिर इनकी यूनिट्स दिया बताया गया है, फिर इनके ट्रेंड। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी लेफ्ट से राइट डिक्रीज, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज जबकि ऑक्सीजन स्टेट जो है किसी भी ग्रुप में सेम रहती है जबकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, जिसका साइज सबसे कम है? तो मैग्नीशियम कैल्शियम का साइज चार्ज सेम है, तो इनमें जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से फिर मैग्नीशियम जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत बिल्कुल। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ जो है साइज टू चार्ज रेशियो या चार्ज, तो ये चार्ज टू साइज रेशियो जो है उस पर डिपेंड करती है, तो ये सी ऑप्शन आएगी। सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने प्रोडक्ट टेबल में पढ़ी उन सब का कंपैरिजन आ गया, ये उनकी डेफिनेशन, ये टेबल अगर आपको याद हो जाए तो सारे एमसीक्यू इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीजन स्टेट, कनेक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, इनकी डेफिनेशन दी है, इनकी यूनिट्स दी हुई है, इनके ट्रेंड कि कौन डिक्रीज होता है कौन की, तो ये टेबल में सारी बातें जो है उनका ट्रेंड लिखा हुआ। तो इटमीन ये सबसे पूरे चैप्टर को एक टेबल की फॉर्म में अगर आपको समरी बना के दे दिया गया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। विच एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड, ये अभी हमने कुछ कंपाउंड पढ़ने, तीन तरह के कंपाउंड होते हैं हैलाइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो पॉलीमेरिक हैलाइड पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन एलिमेंट्स हैं, ब्रिलियम है उसमें, एल्युमिनियम है और गैलियम, ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड कौन बनाते हैं ना, गैसियस या वोलेटाइल लिक्विड, गैसियस या सॉलिड, सॉलिड या स्टेबल लिक्विड या लिक्विड। तो कोवलेंट हाइड्राइड जो होते हैं गैसियस या वोलेटाइल कंपाउंड जो बनाते हैं, हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग कंपाउंड जो होते हैं। वाटर जो HF दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू, वजह क्या होती है जी, इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी है, मेल्टिंग वाली पर हाई है, कोवलेंट नेचर है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। किसका जो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे पास ये स्टेबिलिटी की बात है। टॉप से बॉटम आते हुए साइज इंक्रीज होता है तो इस वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए वैसे भी टॉप से बॉटम ये ट्रेंड है, लेकिन जब हम बात करें इन चारों की बात करें तो ये हमारे पास वाटर जो कि इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी टॉप से बॉटम जब हम आते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हाइड्राइड जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हाइड्राइड जो है लेस स्टेबल हो जाता है। ये तीन तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे रिलेशनशिप, हैलाइड हाइड्राइड ऑक्साइड। बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हैलोजन को हैलाइड्स बोलेंगे, बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड्स बोलेंगे, बाइंडिंग कंपाउंड जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड बोलेंगे। क्लासिफिकेशन इनको नेचर के लिहाज से इनको क्लासिफाई किया गया, जबकि ऑक्साइड वाले जो है उनको हमने बॉन्डिंग के लिहाज से भी किया जा सकता है। आयनिक, कोवलेंट, पॉलीमेरिक इसकी टाइप्स हैं हैलाइड्स की, हाइड्राइड की जो है वो आयनिक, कोवलेंट, इंटरमीडिएट है, जबकि ऑक्साइड की जो है वो बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। तो ये अब हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी, पहले बात कर लेते हैं हैलाइड्स की। हैलाइड्स वो मेटल जो होते हैं वो आयनिक है, नॉन मेटल कोवलेंट होते हैं, जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो पॉलीमेरिक है। इनके जो आयनिक वाले हैं वो सॉलिड होते हैं, जब कोवलेंट वाले वो गैसियस भी हो सकते हैं, जबकि पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें आयनिक थ्री डिमेंशनल है, जबकि बाकी इंडिविजुअल या लेयर, ये टेबल की फॉर्म में सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी गई है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक की हाई होती है, कोवलेंट की लो होती है, जबकि पॉलीमेरिक की नॉर्मल होती है। पोलैरिटी आयनिक पोलर होते हैं, कोवलेंट नॉन पोलर है, जबकि वो हाईली पोलर होते हैं।
कनेक्टिविटी आयनिक कनेक्टर होते हैं, वो नॉन कनेक्टर हैं, कोवलेंट वो लेस कनेक्टर हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक में स्ट्रांग होती है, कोवलेंट में वीक होती है, जबकि उनमें नॉर्मल। सोलबिलिटी, वाटर आयनिक सोलबल होते हैं, वो इनसोलबल है, जबकि पॉलीमेरिक जो है वो लेस सोलबल। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी दे दी गई है, लेफ्ट से राइट आयनिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये शुरू वाले प्योरली पहले आयनिक है, पार्शियली आयनिक है, फिर कोवलेंट, फिर मुकम्मल कोवलेंट आ जाती है। ये इनका लेफ्ट से राइट पीरियड के हाइड्राइड की भी तीन टाइप्स हैं जी, कोवलेंट, आयनिक और इंटरमीडिएट। बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी जैसे हमने हैलाइड्स की पढ़ी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने जो सॉल्युबिलिटी है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उनकी स्ट्रक्चर्स है, जो उनकी फिजिकल स्टेट है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी जो हमने हैलाइड्स की पढ़ी। तो ये हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, इंडियम, ये पांच एलिमेंट्स हैं जो बना रहे हैं इंटरमीडिएट, हमारे पास बना रहे हैं इंटरमीडिएट, बाकी आयनिक और कोवलेंट इस तरह से। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्राइड का, वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वाटर, अमोनिया और एचएफ को निकाल के, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। वजह इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह यह कि इनका साइज बढ़ जाता है, लगभग डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाती है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ऑक्साइड, तीन तरह के ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, जबकि जो कुछ इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये नेचर लिख दी है, ये जो इफेक्ट है लिटमस पेपर के ऊपर, बेसिक जो है वो रेड को ब्लू करेंगे, बेसिक जो है वो ब्लू को रेड करेंगे, एम्फोटेरिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। वाटर में जो डिजोल्व होते हैं, बेसिक ऑक्साइड जो बेस बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड एसिड बनाते हैं, जो एम्फोटेरिक है वो डुअल नेचर होते हैं। ट्रेंड ग्रुप में बेसिक साइड टॉप टू बॉटम इंक्रीज, एसिडिक साइड जो है वो डिक्रीज, एम्फोटेरिक भी डिक्रीज। पीरियड में बेसिक साइड का ट्रेंड डिक्रीज होता है, जबकि एसिडिक साइड का जो है वो इंक्रीज होता है और एम्फोटेरिक का भी इंक्रीज होता है। ये 11 एलिमेंट दिए हुए हैं, ब्रिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, स्टैनिक, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्पर, जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी फिर एसिडिक और बेसिक। Which property of element जो है hydrogen different in the differentiate from hydrogens? तो ये दो आ गया जी position of hydrogen। तो दोनों कौन सी property है? Both can accept electron, कर सकते हैं दोनों। Both have electronegative। ये गलत है, हमारे पास hydrogen की electronegativity ज्यादा है, hydrogen की कम होती है। ये position आ गई, hydrogen एक ऐसा element है जिसकी position अभी तक discover नहीं हो सकी। इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से भी मिलती है, 2 से 4 से मिलती है और ग्रुप नंबर 7 से भी मिलती है। तो इसको ग्रुप 1 में इसलिए रखा गया है कि ये मोनोवेलेंट नेचर और कोई वजह नहीं। तो ये इनमें कंपैरिजन किया गया ग्रुप 1, 2 और 4, पहले बात कर ली गई है सिमिलर प्रॉपर्टी की। 1 के अंदर इसमें इसलिए बाद में रखते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है। 4 इनके दरमियान कंपैरिजन पहले बात कर लेते हैं। तो 1 में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 7 में 7 इलेक्ट्रॉन। इनको रिक्वायर्ड क्या है जी, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ग्रुप नंबर 7 को 7, 4 को 4, उसको 8। हाइड्रोजन एस शेल में, जबकि ग्रुप नंबर जो 4 है या 7 है वो पी, उनमें पी सब शेल पाया जाता है। इस तरह से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन कर सकते हैं, कौन आयनिक है, कौन कोवलेंट, ये इनमें जस्ट एक कंपैरिजन दिया गया। फिर फीचर्स की बात करें, हार्डन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, 1A वाले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, 4A वाले भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, 7A वाले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। और ये जो स्टिमुलेट द रिएक्शन हार्डन करेगा, 1A भी करेगा, 4A नहीं करेगा, 7A भी करेगा। नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक है, 1A मेटल है, 4A नॉन मेटल है, 7A भी नॉन मेटल है। लॉन्ग चेन कंपाउंड, 1A इंडिविजुअल कंपाउंड होता है, 1A हाइड्रोजन इंडिविजुअल कंपाउंड है, सिर्फ 4A के अंदर चांस है कि वो लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, 1A के भी स्टेबल है, 4A के भी स्टेबल है, 7A के स्टेबल नहीं होते। बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1A भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि जो ग्रुप नंबर 4A वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि 7A भी सिंगल।